वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राम राम जी। काय हाल चाल सब? निका हिम्मत है ना, हमारे शादी को एल्बम दिखाऊंगी। बिल्कुल आश्चर्य चेकी तो जावला कि यार ममता जी के शीख ची और आपका शीख होगी। तो हम वीडियो न देख बता चो तन वीडियो को शौक ला के हमारी शादी की जो मेमोरीज था खट्टी मीठी माता के साथ शेयर करू ली। तो ब्लॉग में बने रही जो जी हमारा चैनल पर नया है वो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ने घंटी ने जरूर दबा दो ताकि थाने हमारा नया नया वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग कनेक्शन रिलेशन बने रहे। तो चलो वीडियो ना शुरू करा जा। तो एल्बम की शुरुआत करा जा गणेश जी को नाम लेकर। तो जे हो गणेश जी महाराज। और थाने मैं डेट बता दू जे की थाने पता चे 2 मई 2007 में। तो 2 मई 2007 में हमारी शादी हुई जी और 14-15 साल होगा शादी ने। तो एल्बम दिखाओ तो बड़े ही जाए। तो चलो एल्बम दिखाओ जा फिर थाने नेक्स्ट वीडियो में शादी की वीडियो भी दिखाओ ला। तो देख लो दे ममता जी था कि ममता जी कशीक जी शादी में। तो एल्बम शुरू करा जा और एल्बम खोलते ही गणेश जी की फोटो आई जाए। तो गणेश जी हर शुभ कार्य में गणेश जी ने याद करा जाए, पहले गणेश जी की पूजा हो जाए और गणेश जी की फोटो लागे जाए हर एल्बम में। तो सिंपल सो एल्बम जो दोस्तों ज़्यादा हाई फाई एल्बम कौन है, अब तो बहुत ही स्टाइलिश एल्बम बन बलागा। पहले मतलब आज से 15 साल पहले ये एल्बम बन वो भी बहुत बड़ी बात रहे जी। तो मारो एल्बम कुछ सिंपल सोच है और अशोजा था के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और एक खास बात और बताऊँ जो दोस्तों था ना कि मारो नाम कीर्ति रखा जा शादी कर लिया ओनली फॉर, क्योंकि माँ का गण ग्रोथ कौन मिला जा दोस्तों बिल्कुल भी। तो पंडित जी कह दिया जा भाई ये शाप नोड़े की जोड़ी जा या का गण ग्रोथ कौन मिला, ये एक जगह भी बैठ कौन सका, तो या को नाम रख दो कीर्ति, या तो कीर्ति या को नाम रख दो नहीं तो हस्बैंड को नाम चेंज कर दो। तो मारो नाम चेंज कर दिया जाए कीर्ति और या को नाम तो छे ही बाबूलाल जी। तो सिर्फ शादी के लिए नाम चेंज करा जाए, पंडित जी बोल जाओ पूरी ज़िंदगी कीर्ति बोल जाओ, लेकिन ये तो ममता ही बोला जाए और फिर वो ही माँ का थोड़ी सी कमी बढ़ा जाए दोस्तों। भैया प्रेम भी रहे हो जो तो खूब रहे हो जाए और लड़ा जाए तो खूब भी लड़ा जाए। कह रही है तो होगी मजाक की बात। बाकी हाँ गण ग्रोथ तो कौन मिला है और मतलब गण ग्रोथ का मतलब हो जाएगी सोच दुनिया की अलग अलग रे वजह और माँ की सोच थोड़ी सी अलग अलग जो दुनिया की भी मिल बिल लाग जाओ है। तो ये हमारी लगन की फोटो जो दोस्तों और लगन में देखो मैं कितनी मासूम सी गुड़िया सी लाग रही, बिल्कुल मासूम बच्ची। तो ये जो मासूम बच्ची देख रहा जो थे या 8th क्लास में पढ़ा ची और इकी बालकपन में ही शादी कर दिया जा, बाल विवाह कह सको चो इन्हें। तो यह बाल विवाह हुई हो जो 2007 में और यह देख लो यह ममता मीणा जो था कि ममता मीणा और यह फोटो जो था कि ममता मीणा की और यहाँ सूट पहरा ची मैं बंदेज की ओढ़नी और प्लेन सूट पहरा ची, बहुत पसंद था मैंने, मैं खुद ही सी लची हमारा सूट वगैरह हमारा लगन में बिल्कुल सिंपल से लुक में बैठी जो। और ये बाबूलाल जी जो हमारा हस्बैंड और या को गाँव जो चपड़िया और चपड़िया से हमारी बारात आई जी और ये बारात आप हमें बहुत लेट कर दिया जा। और ये छे ना तान बात बताऊँ ये मार से बड़ा जाए, ये मार से 10 साल बड़ा जाए, ये ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया जाए और मार्टी में पढ़ा जी और मैं यहाँ से 10 साल छोटी जूँ या कि ग्रेजुएशन कम्प्लीट होगी जी वो मैं 8th क्लास में पढ़ा जी। बाकी एज कोई मतलब कौन राखो जो मतलब कोई कौन सोचो जो भाई इतना बड़ा जाए, क्योंकि एज डिफरेंस रहे भाई जो पहला टाइम पर मतलब आज 15 साल पहला मतलब हस्बैंड थोड़ो एज में बड़ा ही देखा जा, सेम एज का कौन देखा जा, समझदार ही देखा जा भाई, एक जनों तो समझदार हो तो चाल जाओ जो यहाँ। और शादी बालकपन में ही कर दा जा, मतलब 10वीं पास करता ही या 8वीं पास करता ही कर दा जा शादी भाई, सही रहे हो जी। और मारी हाइट वाइट बढ़ गई जी तो फिर पापा ना जल्दी माँच गए कि नहीं जल्दी शादी करो। अब यह लगन की फ़ोटो आ जाए और ये लगन का बेस है 51 बेस गया जा और ये बेसा की फ़ोटो जा, कोई कमी कौन रहा गया, खूब बढ़िया शादी कराया जा, ससुराल वाला बोलिया जितना ही बेस खंदाया जा बोलिया जी यहीं कराया जा, सब काम ससुराल वाला से पूछ पूछ कर कराया जा। एक ही बेटी जी में हमारा पापा का लाडा गोडा तो हमारी शादी बहुत अच्छी कराया जा। और यहाँ आरती कर रहा जा और आरती में हाँ आरती में
ये पूजा पाठ हो गई, मतलब जो भी लगन जी लजी में पूजा पाठ हो जाए उनमें सबका पैर चोरी जो मार नाव नाव सा हाथ पक जा आया, मतलब काय बताऊँ सब आएंगे तो चोरी न काय लाडू आडू खुआओ, चोरी न मोटी करो, या चोरी तो बाया काय काम कर ली सास रखो, ये कहता है हाथ पक तंगा खाओ जा तुम। मतलब टीनेजर एज सी मारी बिल्कुल स्कूल गोइंग जी, तो वो टाइम पर बच्चा मतलब बदन में ही रेवज है, हाइट पर्सनैलिटी पकड़ा जाए, हाइट बढ़ाओ जो मतलब हाइट पकड़ा जाए पढ़ाई में टेंशन में, तो हाथ पक गई हैं हमारा पतली जी में थोड़ी सी। और ये हमारी मौसी और डांस कर रही जा लेडी संगीत। और दोस्तों या और बताऊँ था ना कि लेडी संगीत बिल्कुल भी कौन मानना चाहे, पहले आप बिल्कुल लाइक ही कौन चो लेडी संगीत, मीणा में तो मनावे ही कौन चा लेडी संगीत का लेडी संगीत कर ला, तो कार्ड में छपाया कौन चा मैं लेडी संगीत की, क्योंकि बातें करा जाओ गाँव में सब कि नहीं काई लेडी संगीत वेडी संगीत, तो मैं काय करया मतलब फ़ोन करके बुला लिया लेडी संगीत में सब ना, और दरी भी छा कर डीजे वीजे लगा कर और लेडी संगीत कर लिया। आज का आज की जिया तो मतलब इतनी फैसिलिटी ठीक होना, और मतलब समाज भी मतलब ये चीज़ ना हटाओ जो कि लेडी संगीत नहीं, लेडी संगीत तो कौन कर सका, तो बस सिर्फ स्पीकर लगा कर और कट्टा और दरिया फरिया भी छा बचूर ये मैं नानी जी आशीर्वाद दे रही जो मैंने, तो हमारी खुशियों को बहुत ध्यान रखी जी हमारी नानी, और हमारा लेडी संगीत भी करवाई जी क्योंकि हमारी इच्छा जी, तो मैं लेडी संगीत करा जा और मैं ठुमका लगा रही हूँ देखो ठुमकेश्वरी या कणिया ये कौन जी नाम की कणिया जी, फिर भी ठुमका लगा रही जी मैं, तो यह गाई जाए लेडी संगीत बहुत मुश्किल से हो जो और हो गो मतलब सिंपल सोबर सो, अब तो डीजे लागा जा बिल्कुल मस्त वालो अच्छो वालो हाई लेवल को लेडी संगीत हो जाए, तो अब देखा जाए तो थोड़ा सा जीव बड़ा से कि यार माँ का टाइम पे शुरू कर देता ये सब चीज़ें तो मैं भी कर लेता, तो मैं ये ठुमकेश्वरी मैं तो दरी पर भी देख लो मस्त ठुमका लगा रही हूँ जो मन कोई लोड कौन है कि मारे लिए कोई फ्लोर डीजे फ्लोर ही बना है लाइटा शाइटा आवा है आप तो मस्त जा ये मारा देखो नाव नाव सा हाथ कितना पतला हाथ जा बिल्कुल बिल्कुल कमजोर जी मैं, वीकनेस जी बहुत ज़्यादा मतलब सूखड़ी सी जी मैं पतली सी, तो जी भी पतली सी चोरिया जाए वे टेंशन करे जाए पतली सी जो भी बहना जाए हमारी जन टेंशन रह जाए कि यार मैं कहीं मोटा हुआ तो थे मना देखो मैं कत्ती पतली जी, और शादी के बाद में मतलब डुगू हुई हो जो ना वो के बाद में मैं मोटी हो गई जी वजह, तो बहुत सी चीज़ें हम अपने अंदर चेंजेस आओ जब बेबी हो जाए तो वो अपना माइंड है हारमोन्स चेंज हो जाओ जाए तो वजह से भी आप मोटा हो जाओ जा, और जिया जिया एज हो जाए अपनी वो हिसाब से आप मोटा हुआ जा। अब यह एज मारी टीनेजर एज जी पढ़ाई लिखाई और स्कूल टाइम की जी, तो वो टाइम में यही भदड़ में रेवा जा तो टेंशन में रहो जा तो वही यही पतला रेवा जा कोई टेंशन नहीं कौन रहे हो तो आप शरीर डाल ले मतलब सही हो जाओ जा, तो ये हमारी लेडी संगीत की मस्त वाली डांस की फोटोज जो मैं था के साथ शेयर कर रही चोरी में या गाना चल रहा था ओ पिया लेके डोलिया अरे मप्पिया पिया फाल्गुनी पाठक का गाना पर डांस कर रही जी मन बहुत अच्छा लग रहा था, और ये हमारी फैमिली जो है और पहले गाई जी साड़ियाँ बहुत पहरी जी मौसी और मामी और सब साड़ियाँ पहरी जी क्योंकि यहाँ क्रेज जो कि और मैं साड़ियाँ पहरा ला घाघरा लुगड़े तो मैं गुआरिया ला गला मतलब आज से 15 साल पहले स्टाइल मारवा के लिए साड़ियाँ पहरा जी मीणिया, और हमारी मम्मी तो कौन पहरी मारी मम्मी तो नहीं मैं तो वही पहरा ला, और माँ गाँव के भी नहीं मैं तो घाघरा लुगड़ी बाकी जो नई जी ना छोरी चाप रहे तो साड़ियाँ ही पहरी जी जी हमारे मौसी और मामी और ये थोड़ी कम एज की थोड़ी स्टाइल भी मार ली साड़ी का मायना थोड़ी स्टाइलिश लाग पावे पहरी जी, अब तो कौन है बिल्कुल भी साड़ी को क्रेज वो टाइम चालू जो भाई सॉरी 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 अब तो वापस घाघरा लुगड़े को क्रेज आ गो, तो नया 9 दिन पुराना 100 दिन रेवा जाए, तो अपना घाघरा लुगड़ी हमेशा 100 दिन रेवला जिंदगी भर रेवला, और खुद को कल्चर तो खुद को कल्चर ही हो जाए खुद का कल्चर की तो कोई होड़ी कौन है, या हमारी मामी जो है या इको गांव जो झोड़ लाली जी को नाम, और ये चाक भात की जो फोटोस मथा के साथ शेयर कर रही हूँ ये चाक पूजरा रही जो सब, और चाक में गीता पर यहाँ पर नाच रही जाए कूद रही जाए और फोटो वोटो खिंचा रही जा, ये हमारे पापा जो और ये हमारी मम्मी जो ये मैं बेटी जो एक साथ, और मंडप में थाम गाड़ा जी की पूजा हो रही है, और या भात जा नहीं भात ही जा ना हाँ या
बात की जाए बेस वगैरह पे रहा जाए, हमारा मामा जी, हमारा दादाजी ने, हमारा पोपा जी ने, चाचा ने, तो मैं सबकी फ़ोटो शेयर करूँ जी। हमारा दादाजी जो ऊपर वाली फ़ोटो में, ये पोपा जी जो नीचे, और या मारो दूसरो दादो जो, और या मारो काको जो, ये काका के साथ मारे वीडियो भी वायरल हुआ जा, ग्यारशो काको जो इसके साथ वीडियो वायरल हुई जो ना वो कि चाचा मैं शादी में आए जो लूकी बाटी खुआ रहे थे तो कि जेरे घी खत्म हो गो है ना, तो वो वालो चाचो जी हाँ, यही जो वो चाचो लूकी बाटे को बड़ो। अब मजाक की बात जी है तो मैंने हमेशा चुपड़ी बाटे को तो हाँसी करी जी मैं, और ये मार दादो जो है और मारो गांव नटाटा चे, जाने भी न पतो वन मैं बता दूँ जू, मारो गांव नटाटा चे और तहसील जमवर रामगढ़ चे, सान पाड़गढ़ मांझी जाए और डूंगर पाए वो का नीचे से जस्ट मारा सिंगला की ढाणी जाए। ये हमारे गांव की काकी माया सब जा दादी और सब, और हमारे मम्मी भी जी फोटो कमाई ना। ये हमारे पापा जी जाए, हमारे मामा जी बेस पे रह रहे थे पापा ना, और ये हमारी मम्मी जाए, तो बहुत ही अच्छो ब्याह कर रहा था। मतलब मैंने कोई वो कौन है कि आप ब्याह में या कमी राख दिया, क्योंकि वो टाइम ऐसी शादी कर वो भी बहुत बड़ी बात जी, और बहुत अच्छो कर रहा था। ये हमारे ससुर जी जो है और ये हमारे काकेर ससुर जो साथ में हमारे ससुर जी का भाई वगैरह जो, ये हमारे ससुराल पक्ष जो मतलब बराती बारात में आया जी जो अभी आपको स्वागत कर ला हमारा चाचा जी, हमारा दादाजी, हमारे परिवार का, तो ये हमारा दादा और जो हमारे चाचा और जाए वेलकम के लिए खड़ा जाए, तो वो टाइम में वेलकम में पहले जानका को बहुत अच्छा वेलकम हो जो, तिलक लगाओ जा, माला पहराओ जा और लिफाफा दे जा, लिफाफा में पीसा रेवा जा मतलब नोट वगैरह रेवा जा, 50 को नोटों को, 100 को नोटों को, और 101 51 या नेक दे जा, और कोई कोई तो ज़्यादा भी दे जो, और स्टील का गिलास जहाँ पर दूल्हा दुल्हन का नाम, ताकि जब भी पानी पिया तो वन शादी की याद आवे, और सेंट वेंट छिड़का जा वहाँ का तिलक विलक लगाओ जो, तो यह वेलकम रहे हो जो बरातिया को, आपका बरातिया तो बापड़ा कोड़ी आ रहा जाए, कोड़ी जी में रह जाए, कोड़ी खा रहा जाए, बापड़ा जा रहा जाए, कोई पूछे को ना है, तो अब तो बहुत बेकार काम होगा, अब तो कोई पूछे को ना, पहले वेलकम बहुत शानदार हो जो और लागे जो कि हाँ भाई जा रहा है जो, मैं कोई शादी में तिलक देख के ही बताता जा रहा भाई तू कुण की शादी में जा रहा है जो, कोड़ा कुण की बारात में जा रहा है जो, तो तिलक देख रही पता लाग जाओ जो, अशो को रेवा कौन जो जी का तिलक कौन मिलो जो, पूरी बारात है अगर तिलक मिलो जो और जोर रह जाओ जो, तो फिर तिलक लगा कर वो कि जुआरी देवा जा, तो ये शादी रहो जी। और मैं दुल्हन बनकर आ चुकी जो घर आसो और स्टेज पर लेट जा रहा था, और स्टेज पर गाई जा बहुत बातें बनी जी कि स्टेज क्यों बना रहा जाए, स्टेज का आई लेबर मीणा का काई का स्टेज, फिर भी हमारा घर का स्टेज बनाया जाए कि नहीं, माँ का तो एक ही छोरी जाए और मकोड़ा मतलब शादी बार बार थोड़ी होली तो स्टेज बनाया जाए, पर वहाँ की बिल्कुल भी इच्छा कौन जी गांव का कि नहीं स्टेज नहीं आप कौन चाले स्टेज स्टेज, फिर भी जने स्टेज बनाया और मन चढ़ाया, स्टेज माला दो कुर्सी रखा जा मतलब वो बैठ वगी हो जाए, और मैंने स्टेज पर लेट गया, लेकिन मारो स्टेज पर जाते मूड ख़राब हो गो, एक तो पहले स्टेज के लिए तो डायलॉग सुनना पड़ा जा, ऊपर से नेट का बेस के लिए भी डायलॉग सुनना पड़ा, और नेट को बेस वो टाइम चालू हुई जो, तो घर का बोलिया भाई नई से नई डिज़ाइन बनवा वाला ड्रेस की भी, तो वो ड्रेस बनवा दिया, बाकी मैं पूरे लाश्रम को ध्यान रखी जी, लंबो ब्लाउज सब कुछ बनवाई छूँ, पर ये पूरी चीज़ें होते हुए भी हमारा मतलब ससुराल वाला थोड़ी सी कमी राख दिया, वे वरमाला कौन ले रहा है शादी में, और वरमाला कौन की तो मारो दिमाग ख़राब, मैं कि स्टेज भी बनवाया और वरमाला के लिए वरमाला ही कौन है, तो मैं रोबल आ गई स्टेज पर कि मारी मम्मी ने बुलाओ, मम्मी तो आवे ही कौन है, मम्मी बोली भाई मैं सामने कहीं जाऊँ हमारी बेटी को सपनों टूट गो वरमाला को, तो हमारी मम्मी मतलब ससुराल की तरफ से ही हो जी वरमाला, और लेरी को नया वरमाला ये कायचे देवता देवता ढोक बचलेगा गाँवड़ी, और ते जानो जो गाँव में कता स्थान रहे हो जाए, माँ के पपड़ाज माता सबको ढोक दे रहा है जा, तो फिर ये मोड़ा होगा हवा में, और फिर बरसात वगैरह आ गई और अंड पियर वाला जो वरमाला बुक करा जा वह दुकाना बंद करगा, वे भी मतलब जंड बुकिंग करेड़ी जी वे दुकान वुकान बंद करगा, बारिश का चक्कर में माड़ा रहेगी,
तो फिर ये गुलाब को गजरों ले रहे हो मारो भाई एंड टाइम पर, और फिर मैं गुलाब का गजरा पहरा एक दूसरा ना बिल्कुल देवता को आशीर्वाद लिया, गुलाब का गजरा जो आप देवता का चढ़ाओ जाए ना वही वाला गुलाब का देसी गुलाब का फूल आको गजरों पहराया जा। तो यहाँ तो हमें खूब माला पहरा लिया, पर एक वो पहली माला रहे हो जो वो तो हमेशा याद ही रहे हो जा, तो यह माला मन हमेशा याद रहे होली माँ की वरमाला, और बिल्कुल स्पेशल जी माँ की वरमाला क्योंकि मैं गुलाब का गजरा पहराया जा देसी गुलाब का फूल आका, और असली असली फूल तो या नहीं खेव जो भी देवता का भी चढ़ा चाहिए। तो वो टाइम तो मैं उदास होगी जी, पर थोड़े टाइम बाद में मारो गुस्सा शांत हो जाओ, मैं थोड़ी देर ही रूसू जो फिर मैं मान जाऊँ जो फिर मैं फोटोज वोटोज खिंचवा लाग गा, और थोड़ी सी मैं उदास छू या फोटोज़ में मारो देख ही सको जो तो मैं कहीं वाणी रोने का तोरी जू। और ये मैं देखो मारी कुर्ती कितनी बड़ी कुर्ती बनवाई जी मैं ब्लाउज की, क्योंकि वो टाइम का जो बात करा जा भाई नेट को बेच चाहे या चाहे या चाहे, तो मैं चाहूँ जी भाई काई भी नदी का पेट का मर काई नदी का तो आप कुर्ती बनवा ले जा, फिर कोई लड़ लो भी कौन है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल पैक जी मैं वाणी, कोई ड्रेस में कोई कमी कौन जी, और नेट की सिर्फ चुन्नी जी में भी बहुत सारा काम छू जाड़ को, तो कोई दिक्कत कौन जी, बढ़िया लाग रही जी। और सब तारीफ ही करा भाई शर्म इतनी जे छोरी का मायने की नजर ऊँची भी कौन करी, और मन बहुत शर्म आ रही जी क्योंकि मैंने यहाँ जो कि यार आप स्टेज बनवाया जो पहली बार, और दादा और ससुराल वाला सब सामा खड़े जा, तो सब चलेगा जे कि नहीं वरमाला करा लो कोई बात को ना, आजकल का बच्चा जे की भी इच्छा पूरी होनी चाहिए जा, तो मैं अपूटा हो जाओ जा, तो पहली का चल गा जा और माँ की वरमाला होगी जी, फिर आया जा वे और फिर मैं घूंघटो कर लीजिए वासु सबसु, और मन जतरा नजरा जुकार रागी जी और बाकी लोगा सु भी मैंने शर्म सी आ रही थी थोड़ी, तो देखो ला पूरी शादी में ही मारी नजरा नीचे ही जी झुकेड़ी जी, और ये तो मन कैमरा वालों बोल जो भाई भी स्माइल करो सामने देखो, तो मैं ये फोटो खिंचवाया था ये वरमाला से पहले की फोटो जो मैं स्माइल कर रही जी। तो बस थोड़ा सा गाई जी बचपनों भी जो टाइम तो थोड़ा सा माला देख मैं थोड़ी सी उदास होगी जी, कि हर छोरी का सपना रहे हो जाए कि शादी में हर इच्छा पूरी होगी यानी, तो वो थोड़ा बहुत सपना मारा भी चाहे छोटा मोटा, और तो बाकी का ही नहीं। तो शादी की कुछ मेमोरीज से मैं ताकि साथ शेयर कर रही हूँ, और ये देखो उपराने मतलब आशीर्वाद दे बाबे कोई भी जेंट्स को ना आया जा, सब लेडीज ही जी जेंट्स सब ऊँडी चल गया जा माँ का गाँव का और ससुराल वाला, क्योंकि वे मैं कह जो भाई माँ का सामो मत करा जो माला वाला और वर माला रही, तो जी सो फिर मैं स्टेज से नीचे उतर गया जब वेंडी का आया जा, तो मैं खूब कान का दो रखे जब बड़ा को भी और वाने भी मैं रुसाया को ना वाने वाके अनुसार कराया था, और अँ वाणी की मारी शादी हुई जी, तो थे ब्लॉग में बने रहो और वीडियो ना देखो अच्छी लागो तो कमेंट करके ज़रूर बता दो, जो भी चैनल पर नया जाए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सब स्टेज पर आता जाओ और आशीर्वाद देता जाओ, और मारी मुंडी देखो नीचे की तरफ झुकेड़ी जाए दुल्हन देख लो यहाँ नरचू नीचे झुक रही जू मैं तो शर्म इज्जत बहुत ज्यादा जी नजरा में शर्म देव जी, तो मारो भाई मार भी रोक लागो जो एक ही बहन जो ना मैं जी सो तुम्हार मामा जी समझा रहे जी ना भाई बहना माँ कुछ ज्यादा ही प्रेम लियो जो शुरू से ही, तो इन्हें मारी मतलब विदाई को ख्याल आगो दिमाग में कि विदा बोली ममता काल, तो ये रोग लाग गो एक दिन पहले, ये हमारी नानी च और ये हमारी मम्मी चे दोस्तों, ये हमारी यार डुबू का प्रॉपर, ये हमारी मम्मी चे और ये हमारे पापा है, हमारे पापा हरिनारायण मीणा च हरिनारायण मीणा च, हमारे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है अब रिटायर होगा, और ये मम्मी चे मम्मा और मम्मी का नाम संतोष देवी है, हमारे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है अब रिटायर होगा जीएसआई ऑफिस में छा गवर्नमेंट सर्वेंट, ये हमारे भाई चे इको नाम राकेश मीणा चे, और या जीजा जी ने मिठू मुँह करा रहे ना खाना खिला रहे मैंने खिला रहे थे,
भी मार मामा जी खिला रही जा मैंने खिला रही मौसी डूबो पापा कह रहे थे मार पेट भर को गुलाब जामुन ने देख रहे देखो ये मार मामा जी की बाई जा कोमल ये खानो खिला रही जा मैंने दो ही बतला रहे थे कितरो दियो कितरो का ही स्वागत करें कहें का ही खानो लागियो तो पूरा कार गवार हम बात कर रहे थे और हमारे मम्मी जे हमारे पापा जे ये मैं छू ये दुगू का पापा जे ये फेरा की रस्म कर रहे थे पापा हमारे पापा बहुत अच्छी शादी कर रहे थे और हमारा तो ससुराल वाला खुद का खुशी से ही मांग गया था गाड़ी वह पापा तो खुद भी गाड़ी दे बगी बोल में लिया था पर मार ससुराल वाला बोला कि मान तो अल्टो चाहिए तो अल्टो एलेक्स दिया जा शादी में और वो मार ससुराल वाला की डिमांड थी कि वाना अल्टो एलेक्स ही चाहिए नहीं तो पापा तो ऐसे हो जाए ना बिना मांगे मोती मिले जा मांगे सो भीग भी कौन मिला तो पापा और भी बड़ी गाड़ी सोच मिले जा पर ससुराल वाला बोला कि नहीं अल्टो एलेक्स चाहिए तो अल्टो एलेक्स ही दिया फिर वाना ये रस्म हो रही जा देखो मैं भी घूमटा का अंदर जो फेरा मैं और अंडे भी नीचे मोजे मारो नीचे जी सोचे कि नेट की उड़नी जी मन शर्म आ रही जी और ससुराल वाला के सामने माँ के लाज में बैठे मम्मी भी लाज कर मिली जे मारे दादा काका सब छा तो शर्म आ गई जे ये रस्म हो रही जा बहुत अच्छी शादी करे जा 15 साल पहले मतलब कोई की फोन करे जा अच्छी शादी हुई थी हमारी खूब धूमधाम से खूब दहेज खूब गहनों सोना को चांदी को पूरु दिया जा अब पहले का है जी ये फोटोआ वीडियो और ये ज्यादा वो कौन सा जिसको मतलब जाना हर चीज़ की फोटो कौन है मारो खुद को शूट ही कौन वीडियो मतलब हमारी खुद की सिंगल फोटो तो अच्छा ही कौन है तो एल्बम में देख लीजिए क्योंकि कार संभाल वाला और ये सब मतलब कौन सा ज़्यादा फोटो वाला हो या को कौन जो नॉर्मल फोटो वाली आ जाए बस अभी हमारा हाथ पीला कर रहा जा हमारे भाई और ये हाथ पीला कर रहा जा हमारे मामा जी हाथ पीला कर रहे थे मार नाना जी जा मार नाना जी को नाम छो लादू राम मीणा और मार नाना जी को गांव छो मेंगी माँ देव जी सभी जानता होला तो उंड मार नाना जी को गांव छो उंडा करे पड़ा मार नाना जी राइसर मेंगी मार नाना जी बहुत हसमुख स्वभाव का था फिर हो गया जा ये रस्म हो रही थी फिर आएगी ये मार जेठ जा किशन लाल मीणा मार जेठ को नाम से किशन लाल मीणा और याने ढाडी का नाम से भी जाना जा ढाडी नाम मतलब या को बैग कार्ड में लिया था क्योंकि ढाडी रखा जा मार ससुराल को गांव से चपड़िया लाल सूटिया की ढाणी या गोत्र से लाल सूटिया हमारे सिंदूर भर रहे हैं फिर आरती कर रहे थे मूसी आरती कर रही थी फिर होगा अब सुबह देवता ढुकाओ जा तो सुबह देवता ढुक बज आगा सुबह देवता
दादू और बेटे का। और ये हमारे दादू जो नेक कर रहा था, स्माइल जी सभी भी खाना वाणु खिलाया था। देखो दोस्तों बहुत सिंपल सी शादी जी, मतलब बहुत ही अच्छी रही, लेकिन आज से जो 15 साल पहले वो जिन्हों से तो बहुत अच्छी शादी कराया था घर का। और यह सुबह को नीचे विदाई को सब जुआरी कर रहे थे, मतलब मम्मी पापा की फोटो जा। एक बेटी का ब्याह बाप भाई की तरह भी लगा दो, पर लोगा ना कमी लागे जा तो भी कर दो, मतलब वो वहाँ ना कमी लागे जा कि माँ का तो कम थोड़ा सा कसर रहेगी, कि तू भी लगा दो कितनों भी लगा दो, पर तू ऐ लागे जा कि भाई यार थोड़ी कमी रहेगी। और माँ को बहुत अच्छा ब्याह करा था, पर फिर भी घर काम तो यही लाग रही थी कि और बढ़िया हो सका जो अब आज की शादी देखा जाए तो ऐ हो जाए कि आप एक ही बेटी जो ममता प्री वेडिंग भी शूट कराता सभी चीज़ करता, पर कोई बात को ना बहुत अच्छी शादी हुई थी हमारी। और हमारी शादी सभी ने याद रेव ली, हमारी शादी में वो टाइम पर सिर्फ नौकरी वाला ने ही देवा जा कार वगैरह फोर व्हीलर वगैरह, बट वो टाइम डुगू का पापा काय भी कौन करा था, सिर्फ स्टडी करा था। और फिर भी हमारा घर का क्योंकि मैं एक ही बेटी थी तो बहुत अच्छा सोच रखा था कि बहुत बड़ी गाड़ी देवला, लेकिन वो का ससुराल वाला मांग कर दिया ना कि माँ ने अल्टो गाड़ी चाहिए, अल्टो एलेक्स चाहिए, तो फिर सोचे कि या की मांग पूरी करो या ना अल्टो एलेक्स ही दो, तो अल्टो एलेक्स दिया, नहीं तो वो भी बड़ी गाड़ी देता हमारे पापा। हमारे पापा बहुत चाव थे मैंने, हमारे पापा जा बहुत सीधा था हमारे पापा, और ये हमारा दादा और चाचा और जा बहुत अच्छा था सब। हमारे ससुराल में हमारा काके ससुर हमारे ससुर सब अच्छा था। और ये माँ की फोटो से हमारे पापा रो रहे थे मन विदाई कर विदा करते टाइम, हमारी नानी रो रही थी, ये हमारी मम्मी जो विदा कर रहे थे। देखो टाई जा की काय की फोटो को नहीं है, लेन देन की थाली करने की काय की फोटो को ना, बस ये तो मेन मेन फोटो है जिनका फोटोग्राफर ने समझ में आया जिनके ले लियो जिनका कौन है जिनका कौन नहीं है, गाड़ी की भी फोटो कौन है मुझे हाँ अच्छा देखो यह गाड़ी दिया जा मैंने अभी गाड़ी की पता को ना पूरी फोटो पीछे कौन है काय फोटो वोटो कौन लिया कोई जन ये हमारा भाई रो रो जा इन याद आ रही जा मैं कौन सू लड़ू ला अब ममता जा रही जा, मतलब भाई बहन को ये रिश्ता हो जाए कि जितना बहन भाई का घर आ रहे हो जाए ना जब तक तो मतलब खूब उन चिड़ाओ लो परेशान कर लो लड़ाई कर लो छोटी छोटी बातों में शिकायत कर लो कि या काय पे ली कूट जा रही जाए चोरियाँ कर रही जाए मतलब हर चीज़ में। और फिर जब शादी हो जाती है ना भाई ने सबसे ज़्यादा दुख हो जाए सबसे ज़्यादा भाई रो जाए जे कि मार भाई रो रो जाए, अभी कार में बिठा रहे भाई काफ़ी लंबा है देख सको जो कार की फोटो कौन है आधी फोटो जो हमारी मतलब जो गाड़ी दिया था वो ये कलर की सिल्वर कलर की गाड़ी में गई थी मैं बैठ कर। और यह गाड़ी वालों तो वो कैमरा वालों तो गाड़ी की फ़ोटो भी कौन ली पूरी देखो, ये वाली गाड़ी दिया था गिफ्ट में अल्टो एलेक्स आई हाँ अल्टो एलेक्स आई यही जी, और बहुत ही शानदार भी हो तो थे कमेंट करके बता जो थाना हमारी शादी को एल्बम का शौक लागे हो उम्मीद से अच्छा लागे बोलो।
और पूरो सोनू दिया जाए, मारो मतलब पूरो गहनो दिया जाए ईडी से चोटी तक को, और पूरो ज्वेलरी बर्तन पूरो डाइजो और कार दिया जा, और नगद भी दिया जा कैश। वो बाकी मैं कैश तो का ही बताऊँ, बट बहुत अच्छो दिया जा। तो आज से 15 साल पहले मतलब मारी तो कोई फ्रेंड की शादी को नहीं चाहिए, शादी करेगा तो एक बेटी ने आपा कितरो भी दे दिया, वो कमी चाहे कोई पतो को ना आपा दे दिया जा, तो आपकी बेटी सुख पावली दुख पावली आप अपनी बेटी ने अच्छो सोच के ही देवा जा। बाकी फिर अगला की मर्जी से उन्हें सुखी राख जाए दुखी राख जाए वन तो मिल जाओ जाए। तो मुझे यही कहूँगी कि हमेशा अपना बराबर वाला सही रिश्तों करा, ज़्यादा पीस वाला आदमी ऐसा रिश्तों ना करे, क्योंकि पीस वाला का काज इज्जत शर्म और इंसानियत कौन हो, बाकी इंसानियत पीसा मायने बेच दे चुके तो पीसो वे यही कमाओ जी इंसानियत बेच कर। तो पीस वाला इंसान अगर ना करे शादी, हमेशा अपना बराबर का करे, अगर थे पीस वाला चो तो ताकि बराबर को पीस वाला हो जाए तो उसको कर दो, पर थे गरीब चो तो थे पीस वाला कर दला तो ताकि बेटी कभी सुख कौन पानी, वो दो ही दिन रानी बनाकर रख लो, बाकी जिंदगी वो नौकरानी बनाकर रख लो। तो मैं तो यही मैसेज दूली कि हमेशा अपना बराबर का लोगों से रिश्तों करे, और कभी भी कोई भी मांग कर वाला हो है शुरू में ही मांग कर दे तो थे उंडे ही समझ जाओ कि था कि बेटी सुख कौन पावली। हाँ जी दोस्तों, शादी को एल्बम थाने का शौक लगे हो कमेंट करके जरूर बता दो कि थाना है शादी का एल्बम का शौक लगे हो, और जल्दी शादी की वीडियो भी था कि साथ शेयर कर, बस इसी डी की कैसेटा बना जी तो मैं ढूंढू ली देखा कोटा था कीजिए, फिर मैं जल्दी था कि साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी डांस वगैरह की लेडी संगीत की। तो वीडियो बता दो थाना का शौक लगे हो अच्छा लगे हो तो कमेंट जरूर कर जो और लाइक जरूर कर जो, मनो हौसलो मिल लो और अपना के साथ शेयर कर जो। जब भी हमारे चैनल पर नया जो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब कर जो, बहुत अच्छा लागो लो अगर थे हमारा यूट्यूब फैमिली बना ला, यूट्यूब फैमिली का मेंबर बना ला। और सभी ने राम राम, ममता मीना की तरफ से प्यार भरो राम राम, मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में था के लिए प्यारो सो वीडियो ले रहा हूँ।